हेलो बच्चों, वेनम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक प्रॉब्लम नंबर 6 लेकर के आए हैं। मतलब आपको याद दिला दूं मैं फिर से एक बार, मैंने बोला था क्वेश्चन का सीरीज चलेगा 500 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, कम से कम 500 प्लस होने चाहिए। हो सकता है 500 से इधर उधर हो, लेकिन कम से कम 500 होने चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट फंसने चाहिए। तो इसलिए फिर से एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर सामने कुछ क्वेश्चन गिवन है, इसका प्रोडक्ट बनाना है, उसी वे में उसी फ्लो में समझते हुए चलेंगे जैसे समझ रहे थे अभी तक। प्रॉब्लम 6, अब तक 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब जरा ठीक से समझना। यहां पर सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट अपना क्या लगेगा, की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा जरा ये समझो। की कॉन्सेप्ट होगा सिलिलाइनिलॉल ईथर। हो सकता है तुमको थोड़ा अजीब लगे, इसको बोलते सिलिलाइनिलॉल ईथर। ये अलग ही टाइप्स का ईथर होता है। बेसिकली ये सिलिकॉन के द्वारा बन रहा है। यहाँ पे किसके द्वारा बन रहा है, सिलिकॉन के द्वारा बन रहा है। अब तुम लोगों को पता होगा कि बेसिकली जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सामने ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया गया, इसको ट्रीट कर रहे हैं ट्राइमिथाइल सिलिकॉन आयोडाइड के साथ में, या इसी को सिलिलाइल भी कह सकते हो। तो ट्राइमिथाइल सिलिकॉन आयोडाइड ले लेंगे, इसके साथ में ट्रीट करेंगे और एक एमीन लेंगे। यहाँ पर 3 डिग्री एमीन है, इसको ट्राई इथाइल एमीन कहते हैं। और डीएमएफ लेंगे, सॉल्वेंट के जैसा काम करेगा, इसका नाम है डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड, डीएमएफ का। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पर सिलिलाइलिनॉल ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब इनका सर प्रोडक्ट बता दीजिए कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो देखो, प्रोडक्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है, इसको एज इट इज बनाओ, एकदम इसको एज इट इज ऐसे बना लो। अब ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो, इस डबल बॉन्ड को तुम यहां पे लगा दो, उसके बाद यहां पर ओ लगा दो, ओ के साथ में सिलिकॉन लगाओ, सिलिकॉन, और इसी सिलिकॉन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप इस तरीके से लगा दो। ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, इसी को बोलते हैं सिलिलाइनिलॉल ईथर। तो सबसे आसान तरीका है, इससे आसान ट्रिक हो ही नहीं सकता, कुछ मत करना। चाहे देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लगते हैं, लेकिन काम छोटे से ही चल जाता है। अब जैसे देखो यहां पे है, तो कुछ करना नहीं है, फिर से 6 मेंबर ड्रिंक बना देंगे सर, आप जैसे बोले थे वैसे ही हम भी करेंगे। ठीक है, करिए। तब इसको एज इट इज लगा दो, नीचे वाले में कोई छेड़खानी नहीं करना है। लो लगा दिया, अब क्या करोगे, देखो डबल बॉन्ड आया, इस डबल बॉन्ड को कहां लगाओगे, यहां पे लगा दो, ऐसे लगा दो। लगाने के बाद अब एक ऑक्सीजन है, लो लगा दिया ऑक्सीजन ग्रुप, सिंगल बॉन्ड, मने तो लगाओ, नहीं तो मने तो मत लगाओ। क्या लगाओगे, सिलिकॉन और Me3। लो तुम्हारा सिलिलाइनिलॉल ईथर बनके तैयार हो गया। तो अगर ये तुम लोगों को वीडियो आज का पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।